स्कूल तो बन गया पर मास्टर तो नहीं आता, मास्टर की नौकरी लगी हुई है तो फ्री के घर बैठा नौकरी खा रहा, स्कूल में आता नहीं, बच्चे हैं बच्चे अपना घर रखते हैं ऐसे फिरते हैं, पढ़ाने ही नहीं आता। पिछले साल एक दिन मेरी मास्टर से बात हुई, उन्होंने मास्टर से बोला, मैं मास्टर जी स्कूल में क्यों नहीं आते आप, बच्चे जो तो आए रहे हैं। तो मास्टर के जो लवज ऐसे थे, उसने बोला कि मेरी मर्जी है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जिसको भी उखाड़ना। छः महीने स्कूल को बंद हो गए हैं। बीच में दो दिन के लिए अभी 8-10 दिन पहले टीचर आए थे, उसके बाद में टीचर नहीं आए। वो 70-80 बच्चे जो कि गांव के हैं, समाज के हैं, उनके ऐसे फिर रहे हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं है। और गेट वो टूटा हुआ है, वो आपको मालूम है, देख लिया है, कोई भी इसमें स्कूल में कोई कार्य नहीं हो रहा। 2 साल हो गए, 1 साल बच्चे पढ़ाए थे सही से, उसके बाद में बच्चे नहीं पढ़ाए, क्योंकि टीचर नहीं आते तो बच्चे ही कहाँ से पढ़ेंगे। हमने कहा जी, और से भी कहा, प्रधान जी या प्रधान है, उनका कोई पेशगार यहाँ आने का नहीं है, प्रधान से कहते तो प्रधान नहीं आता, उनको टीचर तो जावे है, टीचर यहाँ आते नहीं। सूरज ये बताइए, कहाँ पढ़ते हो आप? ये मैं यहीं पढ़ते हैं। जो है आप देख रहे हैं ताले लगे हैं, जिस दिन मास्टर आता है बच्चे एक दो आते हैं, वो सोचते हैं कि मास्टर नहीं आता, और भंडोरे के बच्चे हैं वे आते हैं तो मास्टर आता है 11-1 बजे आवे हैं, 1 बजे खाना बनेगा ऐसे खाओगे छुट्टी। चम्मच हो गए, 1-2 बार आया था बस, खाना वाना बना के बस वो देवा काम सा, नुयो काम करके लाना, और नुयो याद करा, और जो याद करा तो फिर सुनता नहीं जी, थोड़ी देर बैठेगा बस चल देगा, नु छुट्टेगा कि चलो के जी बदवे के आवे है 3-4 बालक, हम कुछ यहाँ से रहे हम तो जी। पूरी चम्मच हो गए, ये खुला ही ना, कितने दिन हो गए? कुछ मस्त होगी, 6 महीने होगी जी, 2 बार आया कुल।